72 नफूस ए कुदसिया की आजमाइश को तारी किया गया। रब तबारक तआला चाहता था तो उन्हें रहमत और राहत अता फरमा सकता था। रब्बुल आलमीन की मर्जी थी तो परवरदिगार आलम ने ऐसे शो आसाइश की जिंदगी अता फरमाता था। लेकिन रब का कानून है कि हाकी और काबिल के वाकई के जरिए हजरत इब्राहिम को आत्माया, हजरत आदम को आत्माया गया, हजरत इस्माइल के जुबह के वाकई के जरिए हजरत इब्राहिम को आत्माया गया, हजरत यूसुफ को हजरत याकूब की निगाहों से दूर कर दिया गया। रोते रहे, इतना रोए अपने शहजादे की मोहब्बत में कि आंखों की पीराई चले गई। रब की कुदरत थी कि पीराई लौटा आजमाइश को पूरी कर दिया गया। अधिकांश मोहतरम ये दर्द दिल रब तबारक तआला से ताल्लुक मोहब्बत खुदा की मर्जी पर अपने आप को चलाना, रब तबारक तआला के फैसलों पर टाली रहना, कदा व कदर के फैसलों को मानना, ये ऐसी खूबी ईमान की ऐसी बुजुर्गी है कि ये कदा व कदर के फैसलों पर अगर बंदे का ईमान ना हो तो फिर रब तबारक तआला का कलमा पढ़ने वाला वो हकीकी कलमा को नहीं हो सकता। कलमा पढ़ता है तो रब तबारक तआला की जात पर यकीन रखना होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो तवक्कुल की हकीकतों को समझना होगा। रब तबारक तआला ने बंदे के हक में जिस बात का इरादा कर लिया है, जिस बात को तय कर लिया है, परवरदिगार आलम की मर्जी, उसकी कुदरत, उसकी तकदीर के आगे बंदे को अपने सर तस्लीम को झुकाना होगा।